एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम परस अल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम परस अल्लाह। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, आनाए दीन शहर, ख्वातीन इस्लाम, बुजुर्गों और नौजवानों, इस्लाह माशरा के मकसद से और उसके ज़ेरे उन्वान ये इंतहाई अहम बामकसद इजलास अपने आखिरी मोड़ पर है और तमाम तारीफ उस अल्लाह की है जिसने इतने बामकसद इजलास की तौफीक अता फरमाई। बहुत ही अहम बातें बड़े ही मुअस्सिर अंदाज से, बड़े मुखलिसाना दर्दमंदाना लबो लहजे में पिछले तमाम मुकर्ररीन की ज़बानी आपने सुनी। अल्लाह करे कि यह पैगाम आपके और मेरे दिलों पर नक्श हो जाए। मैं इन्हीं हजरात की कही हुई बातों को समेटते हुए आखिर में कुछ खुलासे के तौर पर कुछ बातें अर्ज़ करूंगा, बहुत ही आम फहम और आसान सी ज़बान। अलग अलग तबक़ात से अलग अलग कुछ कहूँगा। उलमाए किराम से शुरू करता हूँ। बड़ी तादाद में अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पूरे मराठवाड़े से उलमाए किराम तशरीफ़ लाए और ये हमारे मुल्क की बड़ी खुशनसीबी है कि जमाउमर उलमा की तादाद हमारे मुल्क में बहुत है और ये हमारे उन अकाबरीन की कोशिशों का नतीजा है। अपने उलमा से बड़ी मोहब्बत के साथ ये गुजारिश करता हूँ कि वो अपने आवाम से अपने राब्ते को बढ़ाएं और राब्ता सिर्फ ऐसी सूरत में न रखें कि वो मुकर्रर हों और मजमा उनकी बात सुने। आप खुद आवाम से उनके दर्द को सुनिए, उनके मसाइल को सुनिए, उनको मौका दीजिए। कुछ ऐसा वक्त मुकर्रर कीजिए जिसमें नौजवान आपके पास आए और वो बहुत खुल कर अपने मसाइल आपसे कहें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ी तादाद में हमारे नौजवान उलमा के पास नहीं आते और दुआ तावीज़ के लिए अगर आते भी हैं तो अपने जो उलझने हैं, जो सवालात हैं, जो इश्कालात हैं, वो उलमा के सामने रखते हुए डरते हैं। ये फासले को ख़त्म करें उलमा, ये मेरी बिल्कुल पहली गुजारिश है। अपने सीने को खोलिए और ऐसे अखलाक और बर्ताव इख्तियार कीजिए कि अगर किसी की समझ में कोई शरई मसला नहीं आ रहा तो वह आपसे खुल कर पूछे। इस दौरान जब तीन तलाक का मसला पूरे मुल्क में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडे का मौजू बना दिया गया तो लाखों मुसलमान नौजवान लड़कों और लड़कियों, कॉलेजेस जाने वाली लड़कियों लड़कों, अखबारात पढ़ने वालों, टीवी देखने वालों के दिल में खुद शुभहात पैदा हो गए। जब एक ही तरफ की बात मुसलसल कही जाएगी तो जाहिर है कि उसका असर तो पड़ता है।
फिर मुश्किल ये कि वो नौजवान ये भी इश्काल करते हैं कि हम पूछें किससे, क्योंकि उलमा बुरा ना माने, बहुत जल्दी हम लोगों को गुस्सा आता है, और अगर किसी ने कुछ पूछा और आजकल के फैशन के मुताबिक थोड़ा जारहाना अंदाज से पूछ लिया तब तो खैरियत नहीं है, उस नौजवान की खैरियत नहीं है। ये मिजाज सही नहीं है, ये नहीं सही है। हम कोई चौथे आसमान की मखलूक नहीं है, और ये हमारा नौजवान यही मुस्तकबिल है उम्मत का। तो इनकी इनके सवालों का जवाब दीजिए, इनकी उलझनों को दूर कीजिए, और ये समझिए कि इनके पास चूँकि शरीयत का इल्म नहीं है, फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है, और प्रोपेगेंडा इतनी ज़ोर से हो रहा है कि उससे मुतासिर हो जाती है। आम फहम अंदाज से शरीयत को समझाइए और अपनी तकरीरों के मौजू को अमली बनाइए। बहुत बड़ी गलती हम लोगों से ये होती रही है, आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत सियासत और मीडिया के रवैये की बरकत से हम उलमा का तर्ज़ अमल भी दुरुस्त हो रहा है। अल्लाह ताला जिसकी चाहे जिसके ज़रिए इस्लाह कर दे, वो तो इस्लाह के तरीक़े जानता है। मेरे इशारों को उलमा ज़रूर समझ रहे हैं, बाकी लोग न समझें कोई अरज नहीं, और अच्छा है कि न समझें। अब मैं अपने आम मुसलमान भाइयों से और बहनों से एक बात कहूँगा, पहले मर्दों से कहूँगा। देखिए, शरीयत का ज़रूरी इल्म हासिल कीजिए। मैं मुस्तकिल आजकल ये बात इसी सीधे साधे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ। हमारी एक मुश्किल ये भी है कि इस्लाही मुआशरा के जलसों में खासे पढ़े लिखे लोग आते हैं, और जो लोग गुस्सा आते ही तीन तलाक देने का ख़ानदानी आदत रखते हैं वो नहीं आते, उन तक हमारी बात पहुँचती ही नहीं। ये जो मैंने कहा ना कि तीन तलाक गुस्से में आकर देना, आप ज़रा मुझे बताइए, परभणी शहर में, इस ज़िले में और जिन जिन ज़िलों से उलमा आए हैं, उसमें कहाँ किस मुसलमान मर्द ने शरीयत के बताए हुए तरीक़े पर तलाक़ अहसन दी है? कोई एक वाक़या बताइए। आम तौर से बहुत जल्दबाजी में, गुस्से में आकर, तैश में आकर तीन तलाक ही देते हैं जब मुसलमान तलाक देते हैं। बहुत बड़ा जुर्म है ये हमारा, और ये बहुत बड़ा गुनाह है, और ये उसी के नतीजे में ये दिन देखना पड़ा है। मुझे इसके कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं। अक्सर क्या करते हैं आप लोग, बैठे होंगे आप में से कुछ लोग ऐसे जो दे चुके होंगे, दे तो देते हैं गुस्से में आकर, मूड खराब है, दुकान में घाटा हो गया, मुकदमे में आप फैसला खिलाफ हो गया, और आप आए थके हुए, और रात में आप घर आके पता चला कि बीवी तो है ही नहीं, मैके चली गई, अब आपका मूड खराब है। बड़े का गोश्त भी खाते हैं माशाल्लाह, मिर्चे मसाले भी खाते हैं, तो गुस्सा तो आएगा। अब गुस्से में आके आपने उठाया फोन और तलक 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 छुट्टी, जैसे सचिन तेंदुलकर 94 से शुरू करता था, आप तीन तलाक से शुरू करते। उसके बाद आप होते हैं परेशान, इसलिए कि चाय भी नहीं मिलेगी, खाना भी नहीं मिलेगा, कपड़े भी नहीं धुले, बच्चे स्कूल भी नहीं गए, तो आप जाते हैं हज़रत मौलाना अल्लामा शाह अशरफ़ी साहब के पास, किसी मुफ्ती साहब के पास, और आप जाकर उनसे कहते हैं कि भाई वो तो मैं बहुत गु़स्से में था, मूड ख़राब था, वो गलती से तीन तलाक दे दी, कुछ कीजिए मेरी बीवी को वापस लाइए। क्यों भाई, कहते कि नहीं कहते? और मुफ्ती बेचारा क्या करे, वो कहता है भाई तुमने तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा,
तो आप कहते हैं कि हजरत मैं तो आपके मदरसे को चंदा भी देता हूँ। कुछ कीजिए ना, देखिए इस साल मैं इंशाल्लाह चंदा बढ़ा दूंगा, और वो जो दूसरे मदरसे को देता था वो न देकर आप ही को दूंगा। आप किसी तरह मेरी बीवी वापस कर, यानी आप जाइए जहन्नम में, बीवी मेरे वापस ले। क्या तरीका है भाई? मुसलमान अक्सर खुद शरीयत पर अमल नहीं करते, और जब अदालत शरीयत के खिलाफ फैसला करती है तो बहुत जोरदार एहतजाज करती है। मेरी समझ में ये बिल्कुल नहीं आता और इंशाल्लाह कभी नहीं आएगा। आप जवानों की जवान तकरीरें सुन रहे थे, थोड़ा हंस भी लीजिए, आप बहुत थक गए हो। एक लतीफा सुनिए। एक बेचारा कोई गैर मुस्लिम मुसाफिर किसी गली से गुजर रहा था, उसको बहुत जोर से पेशाब लगा, नाली दिखी, वो बेचारा वहीं पेशाब करने बैठ गया। अब अंदर से निकले एक खान साहब, मुझे इत्मीनान मैंने कर लिया है कि मेरे दाएं बाएं कोई खान साहब नहीं बैठे। अंदर से निकले एक खान साहब और उन्होंने देखा कि वो बैठा मस्जिद की दीवार के नीचे पेशाब कर रहा है। उनका जज्बे ईमानी भड़क उठा और उन्होंने कहा कि कम्बख खबीस बदमाश नालायक ये यहाँ बैठ के पेशाब कर रहा है मस्जिद की दीवार के पास। वो बेचारा घर घबरा गया, वो उठ गया, वो कहने का, साहब मुझे नहीं पता था कि ये मस्जिद की दीवार है, मैं बाहर का आदमी हूँ, गुजर रहा था, पेशाब लगा बैठ गया। तो माफ़ कर दीजिए खान साहब, अब कभी नहीं करूँगा। तो खान साहब बोले, माफी आफी कुछ नहीं, कलमा पढ़ काफिर का बच्चा, कलमा पढ़। अब वो बेचारा घबरा गया, वो समझा कि अब राम राम सत्य, अगर नहीं पढ़ूंगा तो आज तो बच्चे यतीम होंगे। तो उसने कहा, खान साहब फिर पढ़ा दीजिए कलमा। तो खान साहब बोले, कलमा तो मुझको भी नहीं आता, तू पढ़। यह है आज का मुसलमान। अब भी शर्म आएगी परभनी और मराठवाला के लोगों, कलमा तू पढ़, मुझे तो नहीं आता मगर तू पढ़। शरीयत पर हम अमल नहीं करेंगे मगर जज साहब आप फैसला शरीयत के मुताबिक। क्या तरीका है? ये तीन तलाक का मुकदमा क्या अदालत खुद लेने आई थी घर पे? तीन तलाक देना गुनाह, फिर उस मुकदमे को दारुल क़ज़ा में ले जाने के बजाय उलमा के ज़रिए, जैसे अभी हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त मौलाना यासीन उस्मानी समझा रहे थे, उलमा के पास जाने के बजाय आप खुद अदालत में लेके जाते। तो एक कुछ बातें आज तय कीजिए। एक बात तो ये कि भाई ज़रूरी इल्म हासिल कीजिए, पहले से मालूम कर लीजिए। हम लोग छोटा से छोटा कोई काम करते हैं तो उसे सीखते हैं। एक नई ज़िंदगी में इंसान निकाह के ज़रिए दाखिल होता है, बिल्कुल एक नई ज़िंदगी, नए तजर्बात होते हैं, दो अजनबी इंसानों का साथ होता है जिनके मिजाज में भी थोड़ा अलग अलग होते हैं, फिर दो ख़ानदान मिलते हैं। सास पहली मर्तबा किसी लड़की को बहू बना कर लाती है, उसे उससे पहले सास बनने का तजर्बा नहीं होता। बहू लड़की है जब किसी ससुराल में रुख्सत होकर आती है, ज़िंदगी में पहली मर्तबा अपने माँ बाप की गोद से निकल कर कहीं और जाती है, नए रिश्ते होते हैं, उसमें नज़ाकतें होती हैं, मिजाज की तलखियाँ भी हो सकती हैं, हमारे मुल्क के समाज की कुछ बुरी आदतें भी हमारे अंदर आ गई हैं। उस सब की वजह से पहले से बाखबर हो जाना कितना आसान कर देता है मसले। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप सबसे, आप बाप बन चुके हैं तो अपने बच्चों की शादी से पहले अपने बेटों को कुछ ज़रूरी बातें समझाइए। और यही बातें मैं माओं से कहता हूँ, आप अपनी बेटी को रुख्सत करने से पहले ससुराल में रहने के तौर तरीक़े समझाइए, कुछ नज़ाकतें समझाइए। आम तौर से लड़का जब शादी की ज़िंदगी में दाखिल होता है तो उसके जहन में भी सिर्फ रोमांटिक तसव्वुर होता है, एक रूमानी तसव्वुर होता है,
और लड़की का भी जहन बस एक रूमानी होता है। लड़का सोचता है कि मैं अगले इतवार को शाहजहां बनूंगा, और लड़की सोचती है मैं अगले इतवार को मुमताज महल बनूंगी। और ये शाहजहां मुमताज महल का इश्क दो चार दिन चलता है। अरबी की एक मशहूर कहावत है कि बाद शहर असल तती सनवातुल बसल, कि एक हनीमून का महीने के बाद जिंदगी के बरसहा बरस प्याज लहसुन में गुजरते। हकीक ये तो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, नौजवानों समझो। ये जो एक कशिश रखी है अल्लाह ने लड़के को लड़की की तरफ, लड़की को लड़के की तरफ, और एक शादी का शौक रखा है, ये अल्लाह ने न रखा होता बिल्कुल कोई जिंसी जज्बा ही ना होता, कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन ना होता, तो कोई समझदार लड़का शादी करता ही ना, कोई समझदार लड़की शादी करती ही ना। अगर किसी को पकड़ के बिठाया जाता है निकाह के लिए तो वो जूते चप्पल छोड़ के भागता और कहता कि ये इन लोगों को समझाइए, मुझे ये बर्बाद करने पे तुले, मैंने इनका क्या बिगाड़ा था, अच्छी खासी आज़ाद ज़िंदगी गुजार रही हूँ और ये मुझे ज़बरदस्ती जता रहे हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है कि ये कशिश को इसलिए रखा है कि लड़का और लड़की इस जिम्मेदारी को कबूल करे, आगे बढ़े। असल मकसूद ये कशिश नहीं है, इसको समझो। असल मकसूद सिर्फ मज़ा लेना नहीं है, असल मकसूद फैमिली का चलाना है, समाज का बनाना है, माशरे का बनाना है, आबादी का आगे जारी रखना है। और इसके लिए लड़कों को भी ज़रूरी मालूमात होनी चाहिए शादीशुदा ज़िंदगी के मसाइल के बारे में, और मसाइल से मुराद फ़िक़ही मसाइल नहीं कह रहा हूँ मैं, जो रोज़मर्रा मसाइल पैदा होते हैं कैसे डील किया जाएगा ससुराल के रिश्तेदारों को, और यही ज़रूरत लड़की की भी है। मैं तो इस मौके पर इस कामयाब जलसे से हौसला पाकर एक हौसलामंद सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिन्होंने बेड़ा उठाया है, जिन पर जिम्मेदारी रखी गई है इस्लाह मुआशरा की मुहिम चलाने की, अल्लाह नजर बद से बचाए, हमारे बहुत अजीज तरीन साथी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी, मैं तो आप सबको गवाह बनाकर उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि पहले मराठवाड़ा में शुरुआत करके दो या तीन दिन का वर्कशॉप शुरुआत करें, जिसमें हर वो लड़का जिसकी शादी होने वाली हो अगले एक दो साल में, वो वर्कशॉप में शरीक हो, और हर वो लड़की उस वर्कशॉप में शरीक हो जिसमें एक बाकायदा तरबियत दी जाए कि ये हैं नज़ाकतें, अगर इन नज़ाकतों का ख्याल रख कर ज़िंदगी गुजारोगे तो एक खुशगवार ज़िंदगी गुजरेगी। और इस्लाम ये चाहता है कि तुम खुशगवार ज़िंदगी गुजारो। यही तमाम शरीयत के वो अहकाम जिनका फैमिली लॉ से ताल्लुक़ है, उन सब का बुनियादी मकसद दो हैं, एक पाकदामनी और एक खुशगवार ज़िंदगी। यही सारे शरीयत के अहकाम की रूह है। अगर ये समझा दिया जाए ना तो तलाक के वाकयात हज़ारों फीसद कम हो जाएंगे, सच कहता हूँ। आप इसको खुद कम कीजिए और इस शर से खैर का फ़ायदा ये उठाइए कि तलाक के रिवाज को ख़त्म करना है अपने माशरे में जहाँ तक हो। ये आखिरी मजबूरी की शक्ल में एक एग्ज़िट रखी गई है, क्योंकि बाज़ हालात वो होते हैं कि दोनों की अलाहिदगी ही में दोनों खुश रह सकते हैं, और मकसूद है शरीयत का कि दोनों खुश रहें। इसलिए अगर मजबूर कर देता है इस्लाम कि नहीं अलाहिदगी नहीं का रास्ता हम नहीं छोड़ेंगे, तो मैं ज़िंदगी भर मियाँ बीवी बन के रहना होगा, तो दोनों को बग़ैर खुशी के ज़िंदगी गुजारना होता, और अल्लाह नहीं चाहता कि उसका कोई बंदा और कोई बंदी वो इस दुनिया में भी खुशियों से महरूम रहे। बहुत रहीम और शफीक परवरदिगार है, और उसने जो शरीयत दी है उसमें भी शफ़क़त रहमत और प्यार का पहलू गालिब है। अपनी औलाद को भी सिखाइए, घरों में इसका मुज़ाकरा कीजिए, इन चीज़ों में शर्म हया मत कीजिए। मुझे माँ पर ज़्यादा हैरत होती है, क्योंकि माँ को तो तजर्बा हो चुका है, उस पर तो गुजर चुकी है, उसने भी सास को झेला है, उसने भी नन के साथ मामला किया है, तब जाकर उसकी बेटी इस उम्र को पहुंची है कि अब वो कल को दुल्हन बनेगी। लेकिन वो माँ भी अपनी बेटी को ये बातें नहीं समझाती। ये है हमारे मुआशरे की ख़राबी।
इन चीज़ों को माएँ समझाएं अपनी बेटियों को। और बेटियों से भी गुजारिश है, बच्चियों से भी कह रहा हूँ, बहुत सी बच्चियाँ यहाँ होंगी, अल्लाह तुमको खुशियों भरी ज़िंदगी नसीब फरमाए, नज़रे बस से बचाए। तुम भी बिला तकल्लुफ अपनी माँ से, खाला से पूछा करो, अम्मी ये आधे घंटे का वक्त है, अब बताइए ना कि कैसे ससुराल में रहना है। आप बच्चियाँ भी पूछें, इसमें शर्म न करें, बच्चियाँ पूछें, इंशाल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजरेगी। शरीयत इस्लामी पर जो हमले इस वक्त हो रहे हैं पूरी दुनिया में और हमारे मुल्क में भी, एक बात मैं ख़ास तौर पर उसके तनाजुर में बहुत मोहब्बत और एहतराम के साथ अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ। पूरी तारीख ये बताती है कि इस्लाम की हिफाजत, इस्लाम की इशाअत और इस्लाम की इकामत, ये तीनों खिदमतें तन्हा मर्दों ने कभी नहीं की। जब औरतों ने मर्दों को अकेला छोड़ा है तो मर्दों की फौज हमेशा शिकस्त खाई है। मुझे डंके की चोट पर यह कहने में पूरे तारीख के अपने महदूद मुताले की रोशनी में कोई हिचकिचाहट नहीं है। काश कि इतना वक्त होता कि मैं बहुत से हवाले पेश कर सकता। अब मुझे बताओ, क्या सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का वाकया हज़रत हाजरा के तस्करे के बगैर मुकम्मल हो सकता है? और अल्लाह की कदर अफजाई देखो कि अल्लाह ने अपनी उस बंदी, उस हाजरा की कुर्बानी को किस कदर अप्रिशिएट किया है और कैसा उसका मुकाम दिया है कि अल्लाह ने यह तय कर दिया कि मेरी बंदी हाजरा सफ़ा और मरवा की दोनों पहाड़ियों के दरमियान जहाँ जहाँ चली थी, जहाँ जहाँ दौड़ी थी, वहाँ वहाँ चलना और वहाँ वहाँ दौड़ना क़यामत तक आने वाले हर हर हज और उमरा करने वाले के लिए ज़रूरी होगा, चाहे वो नबी हो चाहे वो वली हो। मेरी बंदी के नक्शे कदम पर तुम्हें चलना और दौड़ना पड़ेगा, मुझे इतनी पसंद है वो बंदी। अल्लाहु अकबर। क्या मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया उनकी उस अजीम माँ के तस्करे के बगैर मुकम्मल हो पाएगा? जब कत्ल हो रहे थे बनू इसराइल के बच्चे, एक बच्चे को जीने नहीं दिया जा रहा था, और जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी माँ खुश होने के बजाय घबरा गई कि बेटा पैदा हुआ है, अब कैसे बचाऊंगी मैं इसको हुकूमत के जालिम हाथों से। अल्लाह ने उस माँ के पास ये पैगाम भेजा और वही का लफ्ज इस्तेमाल किया है कुरान में, वाउहैना इला उम्मे मूसा, ये पैगाम भेजा कि देखो तुम उस बच्चे को दूध पिलाते रहो, बच्चे को पिलाती रहो, डरो मत, जब भी तुमको खतरे के आसार नजर आए मेरे भरोसे पर लकड़ी के एक बॉक्स में उस बच्चे को रखकर दरिया के हवाले कर देना। मैं तुमसे दो वादे करता हूँ, एक वादा तो ये कि मैं उस बच्चे को सही सालिम तुम तक पहुँचा के रहूँगा, दूसरा वादा ये कि मैं उसको नबी और रसूल बना के रहूँगा। इन्ना रादुहु इलैक व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। सलाम हो उस माँ पर, उसके ईमान और यकीन पर, उसके हौसले पर, उसके तवक्कुल पर कि उसने जब वो ख़तरे का वक्त आया तो अल्लाह के कहने के मुताबिक उसने अपने बच्चे को लकड़ी के बॉक्स में रखकर दरिया के हवाले कर दिया। क्या माँ ये नहीं सोचती होगी उस वक्त कि अल्लाह ये आपने अजीब हुक्म दिया है, मेरी गोद ज़्यादा हिफाजत कर सकती है या दरिया की मौजें? लेकिन नहीं, ईमान ईमान यकीन की वजह से उस माँ को भरोसा था कि अल्लाह की बात गलत नहीं हो सकती। अब उसने कहा है तो मुझे वही करना है। उसने अपने बच्चे को समंदर की मौजों के हवाले कर दिया, दरिया की मौजों के हवाले कर दिया। फिर जो हुआ वो आप सब सुन चुके होंगे, किस तरह वो बच्चा वापस आया, बच्चा फिर वहीं उसी फिरौन के निगरानी में पला और फिर उसी के ज़रिए से मजलूमों को छुटकारा मिला और एक कौम को आज़ादी मिली, हिदायत मिली, दोनों नेमतें मिली। तो ये सब उस एक माँ की वफा, उसकी हिम्मत के नतीजे में था। ऐ मेरी बहनों, अपने मुकाम को पहचानो, तुम क्या कर सकती हो, तुम समझो इन हालात में तुम अपने घरों के अंदर इस्लामी माशरे को बपा करने, अपने बच्चों और बच्चियों की सही तरबियत करके, और तुम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की आवाज़ों पर वक्तन फवक्तन लब्बैक कह के, अपने उलमा की आवाज़ पर लब्बैक कह के
जिस वक्त तुमसे जिस चीज का मुतालबा किया जाए वो करके तुम एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हो इंशाल्लाह। सुम्मा इंशाल्लाह शरीयत की हिफाजत में तुम्हारी जिम्मेदारियां बहुत हैं। एक ज़माने से औरतों की से गफलत हुई है और हमने ख़ुद औरतों को उनकी जिम्मेदारियां कम याद दिलाई हैं। अब वक्त आया है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बालिग नज़र क़यादत कदम कदम पर औरतों को मुखातब कर रही है। इस बात को नोट करो, इस वो बहुत अहम बात है। ये जब मसला आता है तो अब ख़वातीन को भी आवाज़ देती है बोर्ड की क़यादत कि तुम इस पर दस्तखत करो, अपने इस किस्म के फैसले से तुम मुल्क के ज़मीर को मुत्तला करो। लिहाजा आपको लब्बैक कहना है, आपको आगे बढ़कर अपनी क़यादत के इशारों पर इंशाअल्लाह दीन की हिफाजत के लिए अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना है। आप जैसी तरबियत कर सकती हैं अपनी औलाद की, बाप नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा काबिल बाप भी अपने बच्चों के किरदार पर वो असर नहीं छोड़ता जो माँ छोड़ती है। और बिल्कुल सही कहा था मौलाना अमरीन साहब ने, जितने कामयाब अफराद दुनिया की तारीख में बने हैं, आप मुहद्दिसीन की तारीख देखो, आप मुफस्सिरीन की देखो, आप फुकहा की देखो, आप मशायख सूफिया की देखो, आप उदबा की देखो, जितने भी जिंदा दिल और मुअस्सिर शख्सियात दुनिया में पैदा हुई हैं उनकी तरबियत में उनकी माँ का हिस्सा उनके बाप से अक्सर ज़्यादा रहा। एक मिसाल पेश करता हूँ, यहाँ जितने हजरात बैठे हैं स्टेज पर, ये एक शख्सियत की मोहब्बत में 100% मुत्तफिक है और वो नाम है शेखुल मशायख सैयदुल अवलिया बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। अजीब शख्सियत गुजरी है बायजीद बस्तामी की, कोई हदीस की और तसव्वुफ के किसी सिलसिले कोई सिलसिला बायजीद बस्तामी को नज़रअंदाज करके रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक नहीं पहुँचता। अजीब खसूसियत हासिल है। ये बायजीद बस्तामी को इस मुकाम तक पहुँचाया किसने था? उनकी बेवा माँ ने। वो माँ जो बेवा हो गई थी जब ये बच्चे छोटे से था, ये बायजीद छोटे से थे उस वक्त वो बेवा हो गई थी और वो अपना और अपने यतीम बच्चे का पेट पालने के लिए लोगों के घरों में कामकाज करती थी। वो अजीम खातून जब बच्चा बड़ा हो गया गलियों में खेलने लगा तो उनकी माँ को ये डर लगा कि कहीं बच्चा बिगड़ न जाए उल्टे सीधे बच्चों के साथ खेलने उठने बैठने की वजह से। पता लगाया उस माँ ने कि मैं क्या करूँ, मेरी तमन्ना मेरे मरहूम शौहर की यही तमन्ना थी कि मेरा बेटा वली ये कामिल बने, आलिम रब्बानी बने। चुनांचे लोगों ने बताया कि फलां एक शेख हैं, एक बहुत ही सालेह मुरब्बी हैं, वो फलां मस्जिद में एक मदरसा चलाते हैं, वहाँ कुछ बच्चे उनके साथ रहते हैं। अब तक का तजर्बा है कि जो बच्चा वहाँ रहा है बहुत नेक बन गया। वो बेचारी बेवा औरत अपने यतीम बच्चे को लेकर पता पूछते पूछते उन शेख के पास पहुँची, सलाम किया, अपना तारुफ कराया, हज़रत मैं गरीब बेवा औरत हूँ, ये मेरा यतीम बच्चा है, मेरे मरहूम शोहर की भी ये तमन्ना थी और मेरी भी कि ये अच्छा आलिम बन जाए, पूछते पूछते आपके पास हाजिर हुई हूँ, इसको अपने कदमों में जगह दे दीजिए, रख लीजिए और इसको आलिम अल्लाह वाला बना दीजिए। बहुत मुतासर हुए वो शेख, क्योंकि बहुत अच्छा छोड़ जाओ, मैं अपनी सी पूरी कोशिश करूँगा। जाते जाते उस औरत ने एक अजीब किस्म की दरख्वास्त और पेश की। उसने कहा हजरत एक गुजारिश और है, पहली बार ये बच्चा अपनी माँ की गोद से निकलकर कहीं बाहर आकर रहेगा, इसे मेरी याद बहुत सताएगी, जल्दी जल्दी ये छुट्टी मांगेगा, मेरी दरख्वास्त ये है कि आप इसे छुट्टी मत दीजिएगा क्योंकि मेरे पास आएगा इसकी तवज्जो बढ़ जाएगी, मेरे पास तो आप इसको तब भेजिएगा जब ये अल्लाह का वली बन जाए। उन्हें बहुत हैरत हुई कि अजीब अल्लाह की बंदी है, बहुत कदर आई। उन्होंने कहा कि बहन तुमने बहुत बड़ी बात कही है, जाओ दुआ से मेरी मदद करना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। वो चली गई, वो बच्चा पढ़ने में लग गया। कुछ महीने गुजरे, जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उस बच्चे ने अपने उस्ताद से दरख्वास्त की कि हजरत बहुत दिन हो गए, मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही है, मुझे एक दिन की छुट्टी दे दीजिए, एक दिन की, मैं वादा करता हूँ कल वापस आ जाऊँगा। वो उस्ताद परेशान हुए, अगर वो इजाज़त देते हैं तो माँ से किया हुआ वादा टूटता है, अगर वो मना करते हैं तो यतीम मासूम बच्चे का दिल टूटता है, करें तो क्या करें। सोचने लगे,
अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर मांगा कि अल्लाह मैं क्या करूं, मैं क्या जवाब दूं इस बच्चे की दरख्वास्त का। अल्लाह ताला ने उनके दिलो दिमाग में ख्याल डाला, उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, मैं तुमको सबक देता हूँ, तुम शाम तक वो सबक याद करके मुझे पूरा सुना दोगे तो मैं तुमको छुट्टी दे दूंगा। बच्चा खुश हो गया, उसने सबक लिया, वो अंदर गया और उसने जाकर जो औराक पलटे तो वो समझ गया कि इतना सबक तो शाम तक याद करना नामुमकिन है। उस्ताद ने जानबूझ के इतना सबक दिया था। अब वो बहुत परेशान हुआ, वापस जाऊँ उस्ताद के पास जाऊँ, उनसे कहूँ कि सबक कम कर दीजिए, आपने ज़्यादा दे दिया। फिर सोचा ये बेअदबी होगी, तो फिर उसने एक और बात सोची। उसने कहा मैं बचपन से, माँ भी मुझे यही कहती थी, बहुत गौर से सुनना ये बात, बचपन से मुझे माँ भी ये कहती थी कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है और उस्ताद भी रोज़ यही कहते हैं। आज मैं उसका तजर्बा करता हूँ, किताब अलग रखी, दो रकत नमाज पढ़ी और नन्ने मुन्ने हाथ उठाकर अल्लाह से मांगना शुरू किया कि अल्लाह बचपन से माँ यही कहती थी, उस्ताद भी रोज़ यही कहते हैं, आप सब कर सकते हैं, आज आप अपनी कुदरत मुझ यतीम बच्चे की मदद करके दिखा दीजिए, ये सबक शाम तक याद करवा दीजिए। उसके बाद दुआ करके याद करने में लग गया। शाम तक, शाम हुई तो उस्ताद के पास आया, कहा उस्ताद जी सबक सुन लीजिए। उस्ताद को यकीन था कि सबक तो पूरा याद हो ही नहीं सकता। उस्ताद ने कहा सुनाओ बेटा। अब जो बच्चे ने सुनाया तो उस्ताद हैरान रह गए, न कहीं भूला न कहीं अटका, पूरा सबक सुना दिया। उस्ताद समझ गया कि इस बच्चे के साथ अल्लाह का मामला इसकी माँ की दुआओं के तुफैल कुछ और है। उस्ताद ने कहा बहुत अच्छा बेटा, जाओ वादा याद रखना, कल आ जाना। बच्चा चला गया, उस्ताद के हाथ चूमे, दुआएँ लियो, चला गया। रास्ते पर उछलता कूदता, गीत गाता, गाने गाता, बहुत बहुत ही खुश खुर्रम गया। घर गया तो घर का दरवाज़ा बंद था, दरवाजे पे आवाज़ दी, एक बार आवाज़ दी कोई जवाब नहीं आया, दो बार पुकारा कोई जवाब नहीं आया, तीसरी बार फिर पुकार कर कहा मम्मी दरवाज़ा खोलिए, तो अंदर से जवाब आया कौन है दरवाजे पर, तो बाहर से बच्चे ने कहा कि अम्मी मैं आपका बायजीद हूँ, दरवाज़ा खोलिए। तो माँ ने कहा कि कौन बायजीद, ये वाला मेरा बायजीद नहीं हो सकता, मेरा बायजीद तो तब आएगा जब अल्लाह का वली बन जाएगा, उस्ताद ने उसके मुझसे वादा किया था और उस्ताद वादा खिलाफी नहीं कर सकते, ये मेरा बायजीद नहीं हो सकता। समझ गया बच्चा कि माँ की मर्जी नहीं है कि मैं घर के अंदर जाऊँ। वहीं खड़े बहुत देर तक रोता रहा, उसके बाद रोते हुए मदरसे वापस आ गया। उस्ताद के पास हाजिर हुआ, सलाम किया तो उस्ताद हैरान रह गए, क्या हुआ बेटा खैरियत तो? जब बच्चे ने अपनी कहानी सुनाने के लिए चेहरा ऊपर उठाया तो उस्ताद ने देखा कि आँखें बिल्कुल आंसुओं से भरी हुई हैं, चेहरा लाल है। तो उस्ताद ने जल्दी से उठाकर गोद में लिया, अपने अमामे के कोने से बच्चे के आंसू पोंछे। कहा बेटा बात क्या, खैरियत तो है क्या, तुम वापस क्यों आ गए? बच्चे ने पूरी कहानी सुनाई और ये कहा कि मैं इस तरह गया था, दरवाज़ा बंद था, ऐसे पुकारा, ये जवाब मिला, ये वाला मेरा बायजीद नहीं हो सकता, वो तो तब आएगा जब वली बन जाएगा, मैं समझ गया मेरी माँ नहीं चाहती, मैं वापस आ गया। उस्ताद ने पूछा बेटा एक बात बताओ, तुम अपनी माँ से नाराज तो नहीं होकर आए हो? माओ अपने मुकाम को पहचानो और नौजवानों तुम अपनी माओ के मुकाम को पहचानो, तुम माओ से। तो उसने कहा कि तुम अपनी माँ से नाराज होकर तो नहीं आए बेटा? उसने कहा कि हजरत दिल टूटा बहुत है और आंखें बही बहुत हैं, लेकिन मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं समझ गया कि वो मेरा भला चाहती हैं। अब उस्ताद मैं चाहे जितनी ज़िद करूँ आप मुझे छुट्टी मत दीजिएगा, इतनी दरख्वास्त और है कि ये दुआ कर दीजिए कि मेरी माँ काम करते करते बीमार रहने लगी हैं, ज़रा उनकी ज़िंदगी में इतनी बरकत हो जाए कि वो मुझे कुछ बना हुआ देख लें, उनकी तमन्ना पूरी हो जाए, उनकी आँखें ठंडी हो जाएँ। उस्ताद ने कहा बेटा मैं रोज़ ये दुआ मांगूँगा। मैं किस्सा मुख्तसर करते हुए ये बात कहता हूँ और ख़ास तौर पर माओं से कहता हूँ कि 16 साल तक वो बच्चा अपनी माँ के पास नहीं गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, अल्लाह अकबर व कबीरा। एक रात थी तहज्जुद के वक्त, तहज्जुद की नमाज पढ़ के वो उस्ताद ज़रा आराम करने के लिए लेटे तो उनको ज़ियारत हुई रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और आपने अपन शेख से उस रोया सालिहा में, उस बाबरकत सच्चे ख्वाब में ये फरमाया कि देखो वो जो जुनेद है, वो जो बायजीद है,
नौजवान तुम्हारे यहाँ उसकी तरबियत मुकम्मल हो गई और उसको विलायते कुबरा का झंडा दे दिया गया। अब तुम उसको जाओ बिशारत दो और उसको रुख्सत करो। जल्दी से उठे, उन्होंने वजू किया और अंदर गए तो देखा कि बायजीद वो नौजवान वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था, इंतज़ार में वो पीछे बैठ गए। जब उसने सलाम फेरा तो पुकारा, पुकार कर कहा कि बायजीद इधर आओ, सीने से लगाया, पेशानी को चूमा, अपना अमामा उसके सर पर रख दिया, कहा तुम्हारी तरबियत मुकम्मल हो गई, तुम्हारी माँ की दुआएं कुर्बानी कबूल हो गई, अब जाओ, अब तुमको यहाँ नहीं रहना, उसकी ज़रूरत नहीं है। नौजवान ने फिर एक बार अपने उस्ताद के कदम बोसी की, उनके बोसे लिए, दुआओं की दरख्वास्त की और रवाना हो गया घर। आज भी दरवाज़ा बंद था लेकिन आज हुआ ये कि जब उसने आवाज़ दी तो पहली आवाज़ पर माँ ने दौड़ कर दरवाज़ा खोला और देखा कि सामने वो नौजवान तकवे का, सुन्नत और शरीयत का नूर पेशानी से छलकता हुआ। पूछा, माँ बेटा आ गया मेरा लाल। वो जल्दी से गिर पड़ा माँ के कदमों पर, माँ ने उसको उठाया, कलेजे से लगाया, बिस्तर पर ला के बिठाया, कहा कि बेटा बैठो, मैं अभी अभी गर्म दूध तुमको ला के पिलाती हूँ, फिर खाना खिलाऊंगी तुमको, आओ, कब से मैं इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बेटा मैं पहले शुक्र की नफ़्ज़ो रकत नमाज पढ़ लूँ। फटा पुराना बोरिया बिछाया, दो रकत नमाज शुक्र पढ़ी और कहा, अल्लाह मैं इसी दिन के लिए आपसे जीने की तौफीक मांगती थी कि ज़िंदा रखिएगा ताकि मैं देख सकूँ अपने बेटे को, अब आप जब चाहें ईमान के साथ मुझे बुला लें, अब मुझे जीने की कोई तमन्ना नहीं। ये हुआ करती थी औरत। जब ऐसी औरतें होती थीं तो औलादें होती थीं, फिर अबू हनीफा व गज़ाली, बुखारी, ऐसी औरतें होती थीं तो बायजीद बस्तामी पैदा होते थे, ऐसी औरतें होती थीं तो फिर सलाहुद्दीन अयूबी पैदा होते थे। अब मैं किस किस का नाम लूँ, हम सब बिगड़ गए हैं। मैं अपनी सिर्फ औरतों का शिकवा करूंगा तो मैं बिल्कुल ज़्यादती करूंगा। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि कितना अच्छा हो कि आज हम आज की इस रात में तौबा करके ज़िंदगी को पलट डालें। नौजवान भी, मर्द भी, औरतें भी, बहुएं भी, बेटियां भी, नई नवेली दुल्हने भी, बूढ़े भी, सहाफ़ी भी, ताजिर भी, उलमा भी, तलबा भी, मुदर्रिसीन भी, प्रोफेशनल्स भी, एजुकेटेड क्लास भी, इंटेलेक्चुअल्स भी, सब ये महसूस करें कि यकीनन हमसे गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से आज हमको ये दिन देखने पड़ रहे हैं, और उन अब गलतियों को हम बदलना शुरू करें। इंशाअल्लाह हालात उसी रुख पर चले जाएंगे जिस रुख पर जाने की यकीन के साथ खुशखबरी, ख़ास तौर पर इन दो नौजवान उलमा ने, अल्लाह इनके उम्र में बरकत करें, मौलाना उमरैन साहब ने और मौलाना यासीन उस्मानी ने जिस यकीन के साथ आपको यकीन दिलाया है कि हालात बदलेंगे, अंधेरे छटेंगे, सुबह रोशन निकलेगी, ये यूँ ही नहीं कह रहे हैं ये लोग, ये इनका मुताला है, इनका मुताला है और इनकी ज़िंदगी इसी में गुजर रही है। इसलिए आप यकीनन देखेंगे और कितने खुशनसीब होंगे आप अगर आप ही की मराठवाला की सरजमीन से ये सालेह तब्दीली यहाँ से शुरू हो जिसके आसार नज़र आ रहे हैं। बहुत दर्दमंदाना गुफ्तगु मौलाना अशरफी साहब ने और मौलाना यासीन उस्मानी साहब ने इत्तेहाद के मौजू पर की। हक है इनको ये बात कहने का, हक हो इन, हक है इनकी बात कहने का। सच्ची बात यह है कि जब मसलक की बुनियाद पर कहीं पर झगड़े की बात सुनाई पड़ती है तो दुख तो होता ही है, ताज्जुब भी होता है, बहुत ताज्जुब होता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जो बालिग नजर क़यादत है जिसने बिल्कुल पूरे शिराजे को मुश्तमा करने का बेड़ा उठाया हुआ, जिसका मकसद है, जिसके अहम मकसदों में से एक मकसद है, सिर्फ कवानीन शरीयत का तहफ्फुज बोर्ड का मकसद नहीं है, बोर्ड का बहुत बड़ा मकसद मुसलमानान हिंद के दरमियान मुकम्मल इत्तेहाद कायम। और इत्तेहाद का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपना मसलक छोड़ दूँ आप अपना मसलक छोड़ दूँ, अपने अपने मसलक पर चलते हुए दूसरे मसलकों का एहतराम करते हुए उन सब के उलमा को वक़ार देते हुए। और मौलाना यहाँ तो आपने सबूत फराहम कर दिया, यहाँ तो आपने सबूत फराहम कर दिया, मौलाना शफी साहब ने जिस तरह दिन रात मेहनत की, आज दोपहर या शाम जब मेरी मुलाकात हुई मौलाना उमरैन साहब से तो उनके शुरू के जुमले ये थे,
कि यहाँ हमें एक बहुत कीमती हीरा मिला है। मौलाना अशरफी साहब ने जिस तरह उखुवत मोहब्बत के ज़रिए, खुलूस लगन के ज़रिए जिस तरह पूरी मिल्लत को जोड़ा है, तो ये एक बहुत उम्मीद की किरण है। मुझे उम्मीद है कि काफिला अब इसी सिमत में आगे जारी रहेगा। यहाँ बहुत से वकला हजरात भी होंगे, मैं दो लफ्ज़ उनसे भी कहना चाहता हूँ। मैं वकला हजरात से ख़ास तौर पर यह गुजारिश करता हूँ कि आपके पास जब फैमिली डिस्प्यूट्स आएँ, आपके पास जब घरों के झगड़े आएँ, खुदा के लिए उन घरों के झगड़ों के सिलसिले में आप मशवरा दीजिए मियाँ बीवी को कि देखो भाई, हम जानते हैं तुमसे ज़्यादा अदालतों का हाल, तुम बताए अदालतों में इस मुकदमे को ले जाने के, मैं तुम्हारी खुद मदद करूँगा, इलाके के उलमा के पास चलो, इलाके के दारुल क़ज़ा के पास चलो, यहाँ के हजरात से मसले को हल करा लो, हज़ारों लाखों रुपए भी तुम्हारे खर्च हो जाएंगे, 10-20 साल लग जाएंगे मुकदमे के फैसले में। वकला से ख़ास तौर पर यह गुजारिश है कि आप ये कल्चर बना लीजिए कि इस तरह के डिस्प्यूट्स को आप कोर्ट में न ले जाइए, फिर आप ख़ुद भी कानून शरीयत का थोड़ा इल्म हासिल कीजिए। मुझे ये कहने की इजाज़त दें कि अक्सर हम नीचे के कोर्टों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो नाकाम होते हैं, उसकी एक वजह ये होती है कि कानून शरीयत की सही तर्जुमानी वहाँ पर नहीं हो पाती। अब हम अपने गैर मुस्लिम वकला से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो कानून शरीयत की बहुत माहिराना हुक्म तर्जुमानी, कानून की ज़ुबान में जदीद नफ्सियात को सामने रखकर शरीयत के कानून की बिल्कुल सही तर्जुमानी वो कैसे कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर यही जो ट्रिपल तलाक का, तीन तलाक का जजमेंट आया है, 400 सफ़े का फैसला है, एक एक लफ्ज़ मैंने पढ़ा है और अक्सर हिस्से को 2-3 बार पढ़ा है, और उसमें जितने पिछले जजमेंट्स दिए गए हैं उन सबको पढ़ा है, जितनों को कोट किया गया, एक ही बात नज़र आती है। अगर वकला हजरात यहाँ होंगे तो ज़्यादा गहराई से समझ सकेंगे। एक नुक्ते पर आकर हमारे जज फंस जाते हैं और उनकी, उनको हम समझा नहीं पाते। मैं ये नहीं कहता वो समझ नहीं पाते, मैं कहता हूँ हम उनको समझा नहीं पाते। कानून की जो किताबें, इस्लामी कानून की भी किताबें अंग्रेज़ी में लिखी गई हैं, वो भी अंग्रेज़ी में गैर मुस्लिमों ने लिखी। शर्म की बात है कि हमारे इतने बड़े बड़े इदारे, लेकिन हम कानून की अंग्रेज़ी में, इस्लामी कानून की अंग्रेज़ी में कोई मुतबर किताब नहीं लिख सके। अब वो उन किताबों को कोट करते हैं, उन किताबों में एक जुमला लिखा हुआ है एक ही वक्त में तीन तलाक देने के बारे में, और वो किताबों में मुसन्निफीन ने यह कहकर लिखा है कि इस्लामी शरीयत में हनफी, शाफी, हम्बली और मालिकी, इन चारों का जो मसलक है वो ये है। अब मैं अंग्रेज़ी का जुमला कोट करता हूँ, वो ये है कि ट्रिपल तलाक ब्रैकेट में तलाक बिदत, या तलाक बिदत ब्रैकेट में ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, इज़ बैड इन थियोलॉजी बट गुड इन लॉ। यानी तीन तलाक देना ये शरीयत में तो बुरा है लेकिन कानून की नज़र में अच्छा है। अब ये उलमा यहाँ बैठे हैं, क्या तलाक सलासा के बारे में शरीयत इस्लामी के कानून की ये सही तर्जुमानी है? अब वो जज कहते हैं कि साहब ये क्या तमाशा है, एक चीज़ गुनाह भी है, शरीयत में गलत भी है, बुरी है, और कानूनन अच्छी। ये अजीब गरीब गलत फहमी एक जुमले की वजह से पैदा हुई। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक मीटिंग हुई दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकला और रिटायर्ड चीफ जस्टिस उस मीटिंग में थे। मैंने उनसे कहा कि एक सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या कानून की ज़बान में अगर आप इसको यूँ अदा करें, शरीयत के कानून की तर्जुमानी आप इस तरह करें कि ट्रिपल तलाक इज़ बैड इन थियोलॉजी, बैड इन लॉ, बट स्टिल इफेक्टिव, यानी तीन तलाक बैक वक्त देना ये शरीयत में भी बुरा है और इस्लामी कानून में भी बुरा है, लेकिन उस जब कोई दे देगा तो तलाक पड़ तो जाएगी, मुअस्सिर तो होगी। ये कैसे हो सकता है कि भाई कोई चीज़ अगर गलत है तो वो मुअस्सिर भी ना हो? इसकी 20 मिसालें दी जा सकती हैं। कोई शख्स अगर किसी पर गोली चला दे तो गोली चलाना गुनाह भी है, क्राइम भी है, जुर्म भी है, तो लेकिन उसके बावजूद गोली लगेगी और वो बेचारा मर जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि परभणी में ये होता हो कि कोई गोली चलाता हो और परभणी में जिस पर गोली चलती हो वो कहता हो कि ये गुनाह भी है, जुर्म भी है, इसलिए मैं नहीं मरूंगा, चलाओ तुम गोली। हमारे यहाँ तो नहीं होता,
अब परभणी में होता हो तो भाई आप मेरी मालूमात में इजाफा करें। भाई ये गुनाह भी है, गोली चलाना जुर्म भी है, लेकिन असर तो होगा ना उस। चोरी करना गुनाह भी है, जुर्म भी है, लेकिन माल तो गायब होगा। ये क्या बात हुई कि कोई शख्स अगर तलाक दे रहा है तो तलाक देते रहो तो पड़ेगी ही नहीं। भाई वाह, ये तो अजीब गरीब किस्म का कानूनी नुक्ता है जो जजों ने निकाला कि तुम देते रहो पड़ेगी ही नहीं। हमने सुना है कि एक बूढ़ी औरत थी यूपी में, जिले का नाम तो नहीं लूंगा, हो सकता है मेरे ही कोई रिश्ता निकला है, तो वो बूढ़ी औरत थी, उसके सामने उसके शौहर ने दूसरों के सामने उसको तलाक दे दी और कई बार तलाक दी। तो लोगों ने कहा कि बड़ी भी तुमको तलाक हो गई, अब अलग जाओ। तो वो बोली, वो तो रोज ही देते रहते हैं, मैं लूँ तब ना। तो मेरा ख्याल ये कि बूढ़ी की काबिलियत और हमारे फाजिल जजों की काबिलियत, अब ये तो आपको फैसला करना है कौन ज़्यादा काबिल। क्या क्या नॉनसेंस बात है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अजीब गरीब बात है। एक आदमी जुर्म करता है आप कहते हैं नहीं होगा, अरे भाई उल्टी बात कर रहे हो आप। शरीयत ये कहती है कि ए मर्द, तूने तलाक का सही तरीके छोड़ा। तलाक का सही तरीका क्या है, मैं वो भी समझाऊँ। ये जलसे समझाने के लिए भी मुनक़द किए जाते हैं, समझाने के लिए मुनक़द किए जाते हैं तलाक देने का तरीका। अव्वल तो कहा कि तलाक दो मत, दो मत, दो मत, बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। ज़िंदगी भर साथ निभाओ, दूसरे को माफ़ करो, खुशगवार ताल्लुकात रखो, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आखिरी स्टेप में तलाक देने का फ़ैसला ही कर लो, सोच विचार करने के बाद, मशवरा करने के बाद, गौर करने के बाद, तो क्या करो तुम उस पाक पीरियड में जिसमें औरत के पास तुम न गए हो, अभी तुम्हारा अपनी बीवी से ताल्लुक़ कायम न हुआ हो और वो बिल्कुल अभी नई नई वो पीरियड से निकले हो, उस वक्त तुम उसको एक तलाक दो। अगर तुमको गुस्सा आए उन दिनों में, जिन दिनों में वो पीरियड में चल रही है, तो रोक लो, अभी तलाक मत दो। अगर तुमको गुस्सा आए उस पूरे 20, 22, 23, 24 दिन में जिनमें वो पाक थी और तुम उसके साथ ताल्लुक कायम कर चुके, तब भी अभी तलाक मत दो। अब देखो शरीयत का हुस्न देखो, गुस्सा आ जा रहा है और अल्लाह मियां कह रहे हैं तलाक देना 21 दिन के बाद, तो 21 दिन तक वो गुस्सा रहेगा। इन साहब को तो अफगानिस्तान में अवार्ड देना चाहिए जिनका गुस्सा 21 दिन तक एक ही लेवल पर रहे। इनको तो तालिबान को चाहिए कि वहां बुलाकर इनको अवार्ड दें कि भाई तुम तो हमारे भी चचा निकले। किसका गुस्सा रहता है, गुस्सा थोड़ी देर में उतर जाता है। जर्मन के माहिरीन नफ्सियात ने लिखा है कि गुस्सा चढ़ता है 20 सेकंड में, 22 सेकंड में, और उतरता है 9-10 सेकंड। गुस्सा बहुत देर तक बरकरार नहीं रहता। तो अब शरीयत ने क्या हिकमत बनाई, गुस्सा आ रहा है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, लेकिन अभी नहीं, अब आप इंतज़ार करो, वो पूरा पाकीज़गी के दिन गुजर जाए, वो जो फिर पीरियड के दिन होते हैं वो भी गुजर जाएं। अब उसके बाद जब नई पाकी का दिन आए, जब पाकी के दिन आते हैं तो उस वक्त शौहर के दिल में भी बीवी के करीब जाने की शरीयत तमन्ना होती है, ये नफ्सियाती ख्वाहिश है। और इन बातों को साफ साफ बयान न करके अब तक हम लोगों ने अपनी कौम का बहुत नुकसान किया, बहुत नुकसान किया। हम चीज़ों में शर्माते हैं जिन चीज़ों में तो वाज़ेह तौर पर बयान करना चाहिए। अब शौहर तो तड़प रहा है बीवी से मिलने के लिए, कहा कि तलाक। अब कहो अगर किसी दोस्त ने याद भी दिला दिया कि पिछले दिन तो बहुत गुस्से में थे तुम और तुम्हारा मूड ये था कि बस आने दो पाकी, मैं देता हूँ तलाक। पाकी अगर 12:01 पर शुरू होगी तो मैं 12:02 तलाक देता हूँ। तो वो कहेगा यार तुम्हारा दिमाग ख़राब है, वो तो पागलपन का दौरा मेरे ऊपर पड़ा था, अब ज़रा लस्सी वस्सी पी चुका हूँ और सब गुस्सा ठंडा है, अभी ज़रा बीवी के करीब जाने दो फिर देखूँ। ख़त्म, गई तलाक। इस्लाम के खूबसूरत कानून को ए उलमा ठीक से समझो, समझाएं। हमारी भी बड़ी मुसीबत है कि हम भी चीख चिल्ला कर तकरीर कर देते हैं लेकिन एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव टॉक नहीं कर पाते, हम समझा नहीं पाते लोगों को, हम नहीं बता पाते। आज बहुत से लोगों ने कानूनी तलाक के इस हिस्से को पहली बार सुना हो। औरतें भी बहुत, औरतों को भी ये बात समझनी चाहिए, इन बातों को बिल्कुल समझना चाहिए। अच्छा और सुनो, अगर मान लीजिए एक तलाक दे दी तब भी शरीयत क्या कहती है, वो कहती है अभी तो तुम तलाक वापस ले सकते हो, बहुत आसान है। अच्छा
वापस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, काजी साहब को बुलाना पड़ेगा, गवाह बुलाने पड़ेंगे, कोई इत्तला करनी पड़ेगी, कोई दावतनामा देना पड़ेगा, कोई जलसा करना पड़ेगा, ना कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम अकेले में खाली अपनी बीवी से विश कर लो, मुलाकात कर लो, खत्म हो गई रजत, तलाक खत्म हो गई। यानी ये लफ्ज भी बोलने जरूरी नहीं है शरई तौर पर कि मैंने अपनी तलाक वापस ले ली, ये लफ्ज बोलना भी जरूरी है। क्या शरीयत का हुस्न है, तलाक देने को मुश्किल कर दिया और तलाक वापस लेने को आसान कर दिया। ये हुस्न, ये हसीन कानून खुद समझें और समझाएं। मीडिया वालों से भी कहता हूँ, बहुत से यहाँ मीडिया वाले मौजूद हैं, मीडिया वालों से भी कहता हूँ भाई मिर्च मसाले के लिए और न्यूज़ ठीक है, अल्लाह के शुक्र कोई कमी नहीं हमारे मुल्क में मसालेदार खबरों के लिए। वो चूहे ने बिल्ली को काट लिया, बिल्ली ने चूहे को काट लिया, और वो पिछला टायर अगले टायर की जगह चलने लगा, वो छपते रहो खबरें। लेकिन अल्लाह के वास्ते अल्लाह की शरीयत पर रहम कर, उस सिलसिले में गैर संजीदा अंदाज मत अपना। कोई मसला आए तो उलमा से डिस्कस करके उस खबर को लगाओ, बहुत बड़ा बड़ी जिम्मेदारी है मीडिया की। मीडिया की सतह बहुत गिर गई है, मुझे शर्म आती है इंडियन मीडिया पर तबसरा करते हुए, सच कहता हूँ। एक भारत के नागरिक होने के नाते मुझे शर्म आती है, लोएस्ट स्टैंडर्ड पर हमारा मीडिया पहुँच चुका है, बहुत ही गिरावट की नज़र से। मैं दुनिया के दूसरे मुल्कों में बहुत से एसोसिएशंस में शरीक हूँ, मीटिंगों में जाता हूँ, तो वहाँ के लोग बड़ी हैरत से पूछते हैं कि भाई ये क्या हुआ है इंडियन मीडिया। वो कहते हैं हम इंडिया की खबरों के लिए इंडियन मीडिया पर भरोसा ही नहीं करते, सिर्फ हम बिल्कुल भरोसा नहीं करते। तो मीडिया के लोग अपनी सतह को इस कदर न गिराएं। बहुत से पुलिस के अफसरान भी यहाँ मौजूद हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक मेहमान के हैसियत से भी कि सिक्योरिटी के लिए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट हर जगह, ज़िला का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत तआवुन करता है, बहुत कोऑपरेट करता है। मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा कि बहुत से पुलिस के हमारे भाई बाहर खड़े हैं, बैठे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। अगर वो मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही हो तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आपके पास जब फैमिली के झगड़े पहुँचें, और बहुत पहुँचते हैं मैं जानता हूँ, बहुत अफसोस के साथ कहता हूँ कि मुसलमान मियाँ बीवी के झगड़े आप पुलिस के वालों के पास बहुत पहुँचते हैं। और ये भी मैं जानता हूँ आप में पुलिस वालों में बहुत से इतने अच्छे इंसान हैं कि आप उस रिपोर्ट को दर्ज करने के पहले वहाँ के किसी आलिम को बुलाते हैं। शायद यहाँ भी ऐसे पुलिस अफसरान हो, हमने बहुत से इलाकों में देखे, वो बुलाते हैं आलिम को, कहते हैं भाई इनको समझाइए, ये लड़ाई झगड़ा लेकर हमारे पास आए, बिला वजह केस दर्ज होगा, एक बंद हो जाएगा, ये होगा वो होगा, तो भाई समझाइए। मैं ऐसे पुलिस अफसरान को मुबारकबाद देता हूँ और पुलिस के महकमे के तमाम अपने भाइयों और बहनों से, उन तो लेडी पुलिस ऑफिसर्स हों या मेल पुलिस ऑफिसर्स हों, उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि फैमिली के डिस्प्यूट्स को कोशिश करें कि आप मोहब्बत के साथ, अकलमंदी के साथ उस समाज के जिम्मेदारों को बिठाकर हल करवा दें, यह आपका इस देश के बहुत बड़ी सेवा होगी। आखिर में एक गुजारिश और है, बातें तो और भी बहुत सी कहने की हैं लेकिन वक्त अच्छा खासा हो चुका है और ज़्यादातर बातें अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बेहतर अंदाज में मेरे पेशरों हजरात आपसे कह चुके। अब एक गुजारिश और करता हूँ कि ये वक्ती तौर पर ये जलसा होकर ख़त्म ना हो जाए, ये कोशिश 10 दिन के बाद यहाँ मुकम्मल नहीं हुई, यहाँ से शुरू होनी चाहिए। और आप उसका तरीका ये है कि आपको मराठवाड़ा एक कमेटी मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी के एक बहुत जमा उम्र जमा हिम्मत कन्वीनर मिल गए, कायद मिल गए आपको। अब आपको मुस्तकिल तौर पर इस कमेटी को पूरे मराठवाड़े में मुतहर्रिक और फ़ाल रखना है और इसको अपने माली मदद करनी है, तआवुन करना है, अफराद भी देने हैं, सलाहियतें भी देनी हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज किसी एतबार से कोई कमी ना होने दीजिए, ताकि आपके मराठवाड़े का यह खित्ता पूरे मुल्क के इस्लाह मुआशरा के लिए एक नमूना बन जाए। ये मैं आपसे ख़ास तौर पर अपील करता हूँ कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हजरात मिले, मौलाना जुनेद साहब हैं, मौलाना अशरफी साहब हैं, और हजरात के तो मैं नाम नहीं जानता। ये कमेटी जो बनी है, इस कमेटी को फ़ाल बनाइए और ये कमेटी बाकायदा कोशिश ये करे हर ज़िले और ज़िले से आगे बढ़कर तहसील, ब्लॉक और वार्ड तक, और वहाँ से मोहल्लों तक, और एक एक मस्जिद उसका एक मरकज़ बन जाए,
हर जगह से इस कमेटी को अफराद मिले, तआवुन मिले और बाकायदा घर घर जाकर इसकी आवाज़ पहुँचाइए। वो भाई और बहनें जो जलसे में नहीं आ सके तो उन तक भी ये बात पहुँचाइए और ऐसा फिजा बना दीजिए कि इंशाल्लाह अगले एक साल के अंदर इस इलाके के अंदर तलाक का रिवाज ही ख़त्म हो जाए और सिरे से तलाक का रिवाज ख़त्म हो जाए, मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारना लोग शुरू कर दें और कभी ज़िंदगी में अगर मियाँ बीवी के दरमियान खुदा ना खास्ता अलायदगी हो तो शरीयत के खूबसूरत कानून के मुताबिक हो। इंशाल्लाह अगर हम इस रुख पर चलेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह का वो मंसूबा पूरा होगा। मुझे तो बार बार ये ख्याल होता है कि अल्लाह ताला ने कुछ बेवकूफ़ों के हाथ में हमारे मुल्क की हुकूमत हमारी इस्लाह के लिए दी। अभी तक जो मुल्क में हुकूमत कर रहे थे वो बड़े समझदार लोग थे तो वो भी अंदर से ऐसे ही, लेकिन शीन काफ बहुत अच्छा था उनका, शेरवानी पहनते थे, गुलाब का फूल लगाते थे, इंशाल्लाह माशाल्लाह बोलते थे, लेकिन उनको से हम बहुत धोखे खा चुके। तो अल्लाह मियाँ ने कहा कि ये भोले भाले मुसलमान ये इसके बगैर नहीं मानेंगे जब तक कि इनके ऊपर कोई महा बेवकूफ़ मुसल्लत न कर दिया जाए। वाकई जब अकल बट रही थी तो वो साहबजादे क्या कर रहे थे, बना रहे थे कि बेच रहे थे मुझे नहीं मालूम, या पी रहे थे कि पिला रहे थे मुझे, और कुछ तो नज़र उनके अंदर आता है, अकल नज़र नहीं। नोटबंदी, अल्लाह जाने के ख्वाब देखा और उठ के आया 8 बजे और कहा 500 और 1000 के नोट बंद और काला धन वापस। सुभान अल्लाह, प्रेमचंद के बाद से ऐसा नावल नहीं लिखा गया। आप तो उर्दू एकेडमी के चेयरमैन रहे, साहित्य एकेडमी की तरफ से अवार्ड दिलवा दीजिए, क्या तमाशा। और जो रही सही कसर बनती थी इंडियन इकोनॉमी की, वो एक बड़ा सा हथौड़ा लाए, एक जीएसटी उनका लो, बिल्कुल ही दफन इंडियन इकोनॉमी, बिल्कुल तबाह हो गई, कारोबार तबाह हो गए। मेरा ख्याल में जीएसटी का फुल फॉर्म भी जनाब को नहीं मालूम हो, इतने तो पढ़े लिखे हूँ, आज तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं दिखा पाए। बार बार कहा जा रहा है आपने बीए किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो डिग्री होगी ना आपके पास, आपके पास नहीं होगी तो ईमानदार बीवी के पास होगी जो बेचारी अकेले ज़िंदगी गुजार रही है, उसके पास नहीं होगी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में तो होगी, वो डिग्री दिखा दीजिए भाई, हम एक बार दर्शन कर लें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बीए तो है कम से कम, लेकिन आज तक डिग्री भी नहीं दिखाई। तो ये जो मुसल्लत किए गए हैं ना, ये हमारे आपकी इस्लाह के लिए किए गए, और अगर अब भी ना माने तो अल्लाह मियाँ के पास और भी कुछ बेवकूफ़ होंगे अलमारी में, वो फिर निकलेंगे, उसके बाद ये भी याद आएंगे कि यही गनीमत था। इसलिए जो बातें आज कही गई हैं उन पर अमल करें, एक ज़िंदगी का एक नया वर्क पलट दें। अल्लाह ताला आप सबको बेहद बेहद जज़ा खैर दे। जज़ाकुम अल्लाह व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।